जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत नकली नोट छापने वाली मशीन की बरामदगी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के बाजारों में भोले भाई लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों के वेतन से पैसे लिए जाते हैं। विष्णुदेव साय की सरकार बस्तर की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। छाप करके बस्तर के बाजारों में भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही पता चलता है कि बस्तर के सुदूर अंचलों में जो शिक्षक हैं उनके तनख्वाह से भी पैसे लिए जाते हैं। ऐसे फीडबैक आए हैं जिसमें लोगों के घरों से राशन ले लिए जाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, सर्वथा अनुचित है और इसका समापन शीघ्र होना होगा। समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए तो विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है और उस संकल्प के पीछे हम सब